प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग सबसे पहला हम अपन सभी भोजपुरी प्लैनेट के दर्शकन के नमस्कार कहल जाब कि जे लोग हमरा के इतना प्यार दुलार देवेलें। ऐसे तो हम ऑन स्क्रीन काफ़ी हीरो के साथ काम कर भेल, लेकिन राघव जे हमार ऑफ स्क्रीन पहला हीरोइन जिक्रे साथ आज हम अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म कई नहीं, परफॉर्म करके बड़ा अच्छा लगा था इनका साथे। हम विश करता नहीं कि हमन ऑन स्क्रीन भी बड़ा जल्दी आवल जाए। ऑडियंस का रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, जो कि टीवी पे आने के बाद और भी पता चलेगा कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन, हमारी जोड़ी को कितना पसंद किया जा रहा है। और न्यू कमर के रूप में परफॉर्म करके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छी फील आ रही है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस अवार्ड फंक्शन के लिए, क्योंकि मैं इसे यहाँ फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही हूँ एंड राघव इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग फर्स्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में एक कॉम्बिनेशन बैठना, एक जो होता है कि अंडरस्टैंडिंग होना, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें वो एक दिन लगा, दो दिन लगा, तो आज उसी तरीके से हम परफॉर्म अच्छा कर सके और लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा भी लगा कि एक नए कपल को इतनी तालियां मिलना बहुत कम होता है, और मिला तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम इसी तरह और आगे मेहनत भी करते रहें और लोगों को अच्छा लगे। नहीं, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्शन हीरो है तो अच्छी बात है कि एक्शन हीरो डांस में बड़ा जल्दी कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि एक्शन और डांस लाइक सेम ही होता है। हाँ, दोनों में हाथ पांव ही चलाने होते हैं। ये जो बोल रहे हैं कि इनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेहनत तो मुझे करनी पड़ी ना, डांस तो मुझे करना पड़ा, ये तो ऑलरेडी डांसिंग क्वीन है ही हमारी भोजपुरी की। कभी कभी मेरा बॉडी थोड़ा स्टिफ हो जाता है, तो वहीं पे मेरे को अब जैसे वेव करने में मेरा क्या थोड़ा खड़ा रह जाता है ऐसे तो, लेकिन हाँ थोड़ी तकलीफ आती है, लेकिन हमारा काम है करना तो हमें सीखना पड़ता है और उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। डांस में एक्शन आ रहा है तो चलो लोगों को अच्छा लगेगा वो चीज़ कि अरे यार ऐसा होना भी चाहिए कि डांस में एक्शन आ रहा है। कल को हम करेंगे डांस में कॉमेडी भी करेंगे थोड़ा बहुत। डांस एक टाइप का जूसी हो गया ना, एनर्जी मिलती है ना लोगों को देख के, तो जूसी हो गया, तो बूस्टर हो गया। यस, ताकत बढ़ाने के लिए। यस यस बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू कुलदीप जी एंड ऑल टीम ऑफ सबरंग कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया सबरंग में परफॉर्म करने का, और परफॉर्म करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। दिल से थैंक्स टू ऑल ऑर्गेनाइजर ऑफ सबरंग एंड कुलजीत जी। मैं खुश तो हूँ, और बात यह है कि सबरंग एक ऐसा अवार्ड है जो नए कलाकारों को बहुत आगे मौका देता है कि आप ये उनको एक स्टेज देता है जो एक कलाकार को बहुत ज़रूरी है। और उनको क्या है, अगर आप कलाकार एक स्टेज अगर अच्छा मिल जाता है वो अपना पूरा कला अच्छे से दिखा सकता है, तो इसलिए मुझे कला श्री का अवार्ड दिया गया कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको मेरी कला अच्छी लगी हो और मैं इसी तरह और आगे से करते रहूं। तो उसके लिए थैंक्स टू कुलदीप जी और थैंक्स टू सबरंग टीम जो हम जैसे लोगों को, नए कलाकारों को एक मौका देती है। बहुत अच्छा लगा कि मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो भी सबरंग जैसे अवार्ड फंक्शन में, और ये मेरा फर्स्ट अवार्ड फंक्शन है भोजपुरी का, तो फर्स्ट टाइम अवार्ड मिले तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है अवार्ड की। तो आई रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड कि नेक्स्ट अवार्ड कब मिलेगा, एंड थैंक्स टू ऑल कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया। प्लैनेट भोजपुरी।